Dear students, in this topic we shall discuss the motility of the alimentary canal. The ability of the alimentary canal to contract and propel ingested material along its length is called the motility. Motility depends on the activity of the smooth muscle wall of the alimentary canal. And or ciliary lining of digestive tract in various animals. Motility is highly significant for the translocation and conduction of food along the alimentary canal. It is also important for the mechanical treatment of food. इट आल्सो प्रिवेंट्स स्कमिंग। हम इन तीनों सिग्निफिकेंट फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इनवॉल्व्स कैरिंग ऑफ द फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ये जो प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन का इट नीड्स टू बी करेक्टली टाइम्ड अलॉन्ग द इंटायर लेंथ बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसलोकेशन फूड रिच इज द स्पेशलाइज रीजन्स फॉर डाइजेस्टन एंड एब्जॉर्पन इन टाइम ये टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि फूड को जिस प्रोसेस से गुजारना है उस प्रोसेस के लिए जो प्रेपरेशन की गई है फूड एंड टाइम के ऊपर वहाँ पर पहुंचे फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट इंजाइम्स को सीक्रिट कर रहा है इंजाइम्स कुछ देर के लिए फंक्शन रहते हैं और ऐसे में फूड भी उसी वक्त में वहाँ पर पहुँचे दैट इज द रिक्वायर्ड टाइमिंग दिस टाइमिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपल्शन ऑफ फीकल मटीरियल ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस से ही फीकल मटेरियल को भी बॉडी से बाहर भेजा जाता है लेकिन uh, यहाँ से हम एक बात बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये टाइमिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है अगर फीकल मटेरियल्स बॉडी से बाहर निकलते हुए देर करते हैं तो देन इट कॉजेज सर्टेन डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स द एलिमेंट्री कैनाल्स मोटिलिटी हैज सेकेंड फंक्शन विच इज द मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ फूड द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर इन्वॉल्व इन ग्राइंडिंग एंड नीडिंग एक्शंस these actions break the larger components of food into smaller soluble forms the food smaller soluble form may convert hoti so it enables the enzymes and bile to act on the food this action of grinding and kneading also mixes the digestive juices with the Food contents present in the lumen of alimentary canal. Dear yes, students, this process of mixing and grinding. This occurs by a phenomenon which is called segmentation. Segmentation is a process in which circular muscles of the alimentary canal are involved, or in ए सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन होती हैं एक सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शंस हैं दोनों तरह के स्मूथ मसल्स की यानी सर्कुलर की भी और लॉन्गिट्यूनल uh, की भी जिन्हें हम पेरिस्टालसिस कहते हैं सेगमेंटेशन उससे डिफरेंट प्रोसेस है जिसमें सिर्फ ए सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स होती हैं और ये पूरी के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं होती बल्कि एट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ गट ये होती हैं इस सेगमेंटेशन के प्रोसेस में लॉन्गिट्यूडल मसल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते इस प्रोसेस की वजह से फूड जो है वो रोल करती है विद इन ए सर्टेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक और एज ए रिजल्ट इट इज मिक्स्ड एंड ग्राउंड डियर स्टूडेंट्स मोटिलिटी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक ल्सो कीप्स रीन्यूंग द मेटीरियल इन कॉन्टैक्ट विद द एब्जॉर्पटिव एंड सिक्योरिटी सर्विस ऑफ एपीथीलियल लाइनिंग एपीथीलियल लाइनिंग के साथ जो मेटीरियल गुजर रहा होता है उसकी रीन्यूल होती चली जाती है मोटिलिटी की वजह से इसकी वजह से इस तरह का फूड कॉन्टेंट जो मुसलसल गुजर रहा है डायजेस्टिव टैक में से वो किसी एक जगह पर रुक नहीं जाता और लेयर फॉर्मेशन नहीं कर लेता ये प्रोसेस जिसे स्कमिंग कहते हैं इसकी वजह से क्लॉगिंग हो सकती है इन सर्फिस की अगर क्लॉगिंग हो जाए लेयर फॉर्मेशन हो जाए तो इसकी वजह से तो एब्जॉर्पटिव और सिक्रिट्री एरिया रिड्यूस होता चला जाता है और ये जो मोटिलिटी है इट प्रिवेंट्स दिस टाइप ऑफ लेयर फॉर्मेशन